नमस्कार। आज हम बात करेंगे छंद सामान्य परिचय। सबसे पहले छंद का लक्षण। एक ऐसी रचना जिसमें मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था और गणना की जाती है तथा जो संगीत की भांति लय और गति से बंधी हुई चलती है, उस रचना को सामान्यतः छंदोबद्ध रचना कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण और मात्राओं पर। मात्रा किसे कहते हैं? इसकी सामान्य सी परिभाषा है कि अक्षर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। वर्ण को सामान्यतः अक्षर कहा जाता है और अक्षर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाती है। मात्रा के सामान्यतः दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में ए, ई, उ और री तथा दीर्घ में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और ए। ह्रस्व को हम सामान्यतः लघु भी कहते हैं और दीर्घ को गुरु भी। लघु खड़ी रेखा के रूप में उसका प्रतीक चिन्ह है और गुरु के लिए सामान्यतः अंग्रेजी का जो एस अक्षर है उससे मिलता जुलता प्रतीक चिन्ह हम काम में लेते हैं। अब हम बात करेंगे छंदों के भेद पर। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से छंदों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक वर्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। वर्णिक छंद क्या होता है? वर्णिक छंदों में वर्णों का स्थान और विचार नियत अथवा निश्चित रहता है। वर्णिक छंद में वर्णों का स्थान और विचार नियत अथवा निश्चित सा रहता है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनमें जितने भी वर्ण होते हैं उनमें कौन सा लघु होगा और कौन सा गुरु होगा। ठीक है, लघु और गुरु की गणना की जाती है वर्णिक छंद में और वर्णों की जो स्थान है वो नियत और निश्चित होता है। मात्रिक छंद में लघु और गुरु का विचार या स्थान है वो नियत नहीं रहता, उसमें लघु गुरु के अनुसार मात्राओं का योग अथवा जोड़ ही निश्चित रहता है। मात्राओं का जोड़ है वो मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं हैं और उन मात्राओं में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ लघु आएगा कहाँ गुरु आएगा। तो सबसे पहले जो दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि लघु कौन सी मात्राएं होगी और गुरु कौन सी मात्राएं होगी, और ये हम पहले ही निश्चय कर चुके हैं कि स्वरों के आधार पर मात्राओं की गिनती होती है और मात्राएँ हिंदी में स्वर हिंदी में भी लघु और गुरु दो होते हैं। संस्कृत में प्लुत स्वर है वो संस्कृत में मिलता है, हिंदी में दो का ही प्रयोग किया जाता है और इसीलिए हिंदी में मात्राएं हैं वो भी दो ही होती है, लघु और गुरु, और उसी के अनुसार वर्णों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले लघु, हम सामान्यतः जो प्रमुख विशेषताएँ हैं उन्हीं पर हम गौर करेंगे। लघु में सबसे पहले सभी ह्रस्व, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ए, ई, उ और री, इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। सभी ह्रस्व या लघु स्वर तथा उनके योग से बनने वाले सभी व्यंजन, इनके योग से जितने भी व्यंजन बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लघु कहलाएंगे। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर और उनसे बनने वाले व्यंजन भी लघु के अंतर्गत ही आएंगे। ह्रस्व स्वरों से बनने वाले जितने भी व्यंजन है वो लघु आएंगे, चंद्रबिंदु वाले ह्रस्व स्वर और उनसे बनने वाले व्यंजन भी लघु की गिनती में आएंगे। स्वराघात रहित स्थलों पर प्रयुक्त दीर्घ स्वर भी अपने उच्चारण के कारण लघु मान लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, जब हम गणों की चर्चा करेंगे आगे हम बताएंगे, तो लघु जहाँ स्वराघात हो और स्वराघात हो
वहां जो दीर्घ स्वर प्रयुक्त होता है वो भी अपने उच्चारण के कारण क्या मान लिया जाता है, लघु मान लिया जाता है। जैसे जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु पंक्ति में जे यद्यपि गुरु होने पर भी अपने दबे हुए उच्चारण के कारण लघु मान लिया जाएगा। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन यहाँ विचार करना उन पर उपयुक्त नहीं होगा। दूसरा गुरु विचार, सभी दीर्घ स्वर तथा उनके योग से बनने वाले व्यंजन दीर्घ कहलाते हैं, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण, जिनमें अनुस्वार लगा हो और जो विसर्ग जिनमें लगा हो वो सारे के सारे गुरु मान लिए जाएंगे। संयुक्त अक्षर का पूर्ववर्ती लघु वर्ण भी द्विमात्रिक अथवा गुरु ही माना जाएगा। संयुक्त अक्षर का पूर्ववर्ती, संयुक्त अक्षर से पहले आने वाला लघु वर्ण है वो भी द्विमात्रिक अथवा गुरु ही माना जाएगा। संयुक्ताक्षर के पूर्ववर्ती वर्ण के उच्चारण में जहाँ बल नहीं पड़ता वहाँ वह ह्रस्व ही लघु ही माना जाता है, दीर्घ नहीं। और अंतिम इसमें छंद के प्रत्येक चरण के अंत का लघु वर्ण विकल्प के अनुसार गुरु मान लिया जाता है। ये लघु और गुरु मात्राओं के आधार पर हमने तय किया। दो तरह के छंदों की अभी हम बात कर रहे हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, और उसमें भी हमने लघु और गुरु की बात की। अब हम गण शब्द बार बार आता है, गण विचार। गण का सामान्य अर्थ है समूह, गण का सामान्य अर्थ हो गया समूह। और छंद शास्त्र में तीन अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। जो छंद शास्त्र है वहाँ तीन अक्षरों के समूह को हम गण कहते हैं। वर्णिक छंद, अभी हमने कहा कि वर्णिक और मात्रिक, तो वर्णिक छंदों के लक्षण और उदाहरण गणों के आधार पर ही चलते हैं। गणों के सामान्यतः आठ भेद होते हैं और इसका सूत्र है यमाता राजभान सलगा, और इसी के आधार पर हम गणों का निर्माण करते हैं। यमाता राजभान सलगा जो सूत्र है, इस सूत्र में प्रथम आठ अक्षर गणों के सूचक हैं। ये यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये आठ अक्षर तो गणों के सूचक हो गए। और अंतिम जो दो संक्षिप्त अक्षर हैं वो लय गा, लय का अर्थ लघु और गा का अर्थ गुरु, ठीक है, ये लघु और गुरु को संकेतित करते हैं। इसी तरीके से जब हम यगण बनाएंगे तो यगण के सामने तीन, ये के बाद के दो अक्षर हैं वो उससे जोड़ देंगे, और यगण का जो प्रतीक बनेगा वो यमाता बनेगा, अर्थात जहाँ यगण आएगा वहाँ एक लघु और दो गुरु होंगे। इसी तरीके से मगण, और मगण को हम बनाएंगे तो माता रा से वो मिलकर के बनेगा, अर्थात मगण है उसमें तीनों की तीनों क्या होंगे, गुरु होंगे। उसी तरीके से तगण, तगण का प्रतीक बनेगा ताराज, इसलिए इसमें दो गुरु और एक लघु आएगा। इसी तरीके से रगण राज भा, इसका अर्थ हो गया कि गुरु लघु गुरु। इसी तरीके से जगण जय भान, तो एक लघु फिर गुरु और फिर लघु। इसी तरीके से भगण भान स, अर्थात एक गुरु और दो लघु। और नगण न स ल, अर्थात इसमें तीनों के तीनों लघु आएंगे। और अंतिम गण होता है सगण, जिसमें स ल गा से बनता है, अर्थात दो लघु और एक गुरु। तो ये सूत्र है यमाता राजभान सलगा, जिसके माध्यम से हम गण जो विचार है या गणों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में कुछ पारिभाषिक जो शब्दावली है उसमें चरण शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः प्रत्येक छंद में चार पंक्तियां होती है और प्रत्येक पंक्ति किसी भी छंद का चौथा अंश होती है अथवा चौथाई भाग होती है, जिसे छंद शास्त्र में इस चौथे भाग को हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। तो कुछ छंद छह चरणों वाले भी होते हैं, छप्पे कुंडलियां हम जानते हैं। उसके बाद में एक शब्द आता है गति,
गति का अर्थ होता है प्रवाह, और गति के साथ यति शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो यति शब्द का अर्थ है विराम या ठहराव। वस्तुतः लय का अनुगमन करने वाले विरामों को ही यति कहते हैं। तो ये था छंद शास्त्र का सामान्य परिचय। धन्यवाद।